दोस्तों आज हम फास्ट रखने के उपवास रखने के पांच जबरदस्त फायदे बताएंगे। दोस्तों वो फायदे आपके साइंटिफिक फायदे हैं, आपके वैज्ञानिक फायदे हैं। दोस्तों जो आपके उपवास रखने के जो दैवीय फायदे हैं, जो ईश्वरीय फायदे हैं, वो तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसके जो फायदे हैं वो अनलिमिटेड हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मैं दोस्तों साइंटिफिक फायदे भी आपको क्या क्या मिलते हैं वो मैं आपको आज शेयर करूंगा। दोस्तों पांच मैं जबरदस्त फायदे बताऊंगा, तो प्लीज वीडियो का एंड तक जरूर देखना। दोस्तों जो सबसे पहला फायदा है उपवास रखने का, वो है आपके बॉडी के, आपके शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ना। दोस्तों जब आप फास्ट रखते हो, उपवास रखते हो, तो आपके बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाई होती है। जब आपकी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, बॉडी डिटॉक्सीफाई होगी, तो कचरे बाहर निकलेंगे आपके बॉडी, अपशिष्ट पदार्थ जो है वो बाहर निकलेंगे। इससे आपके अंदर एक अलग एनर्जी मिलेगी और आपके बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है। दोस्तों तो महीने में एक दिन का फास्ट तो रखना ही चाहिए, इम्यूनिटी के लिए तो रखना ही चाहिए एक दिन का फास्ट। दोस्तों जो सेकेंड फायदे हैं वो हैं आपके पाचन तंत्र का मजबूत होना। दोस्तों जब आप उपवास रखते हो, फास्ट रखते हो, तो आपके पाचन तंत्र को मजबूती मिलती है, उसको आराम मिलता है, रेस्ट मिलता है। जो आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, जैसे आपके लीवर, किडनी, आंते, अमाशय जो भी हैं, उसको रेस्ट मिलता है। जब बॉडी के पार्ट्स को रेस्ट मिलेगा तो उसकी जो कार्य करने की क्षमता है अगले दिन वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। जैसे दोस्तों आप खेतों को, अगर आपको ज़्यादा फसल चाहिए होता है तो क्या करते हो, आप उसको परती छोड़ देते हो। परती बोले तो कुछ समय के लिए उसमें कुछ ना रोकना, ऐसे छोड़ देना, जिससे इसके बाद क्या होता है, उस खेत के अंदर उपजाऊपन आता है, फर्टिलनेस आती है। सेम प्रोसेस ऐसा बॉडी के साथ भी है। जब आप अपने एब्डोमिनल पार्ट्स को, बॉडी को रेस्ट देते हो, तो उसके कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है और जिससे आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है। दोस्तों जो थर्ड फायदे हैं वो है आपके बॉडी का वेट लॉस कम होना। दोस्तों अगर आपके बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फैट है, वेट ज़्यादा है, तो इससे आपका फैट भी कम होता है। दोस्तों क्या होता है, उपवास करते, जब आप उपवास करते हो तो आप तो आपका कैलोरी इंटेक कम होता है, उससे तो आपको फैट लॉस होता ही है। सेकंड जो है दोस्तों, आपके जो बॉडी के फैट हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। जब एनर्जी में फैट कन्वर्ट होगा तो आपके फैट कम होंगे, और फैट कम होंगे तो आपका वेट लॉस होगा। दोस्तों मतलब साइंटिफिकली भी आपके वेट लॉस होते हैं उपवास रखने से। जो चौथे फायदे हैं दोस्तों, वो है आपका डिप्रेशन और टेंशन का कम। दोस्तों जब आप उपवास रखते हो, फास्ट रखते हो, तो आपके दिमाग से एक हैप्पी हार्मोन है जिसको बोलते हैं डोपामाइन हार्मोन, वो रिलीज होती है, बहुत मात्रा में रिलीज होती है। फास्ट के दौरान तो ये बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, और इससे आपको एक अलग अनुभूति होती है, एक अलग हैप्पीनेस आती है ऑटोमेटिकली, बिना कुछ बात के आपके अंदर एक खुशी आती है, एक पॉजिटिवनेस आती है। दोस्तों तो ये जो डोपामाइन हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है उपवास के दौरान। तो ये जो चौथी फायदे हैं, ज़बरदस्त फायदे हैं। और जो पांचवा फायदा है दोस्तों, वो है आपके चेहरे का, स्किन का ग्लो बढ़ना, चमक बढ़ना। दोस्तों जब आपकी बॉडी, जबकि स्किन जो है डिटॉक्सीफाई होती है, उसके जो स्किन के जो कचरे होते हैं बाहर निकलते हैं, उसके टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं आपके स्किन के, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे तो चेहरे का ग्लो बढ़ेगा, इसके अंदर से जो कचरे निकलेंगे तो एक अलग स्फूर्ति मिलेगी आपके चेहरे को, एक अलग ग्लो मिलता है, तो आपके चेहरे की चमक बहुत हद तक बढ़ती है। इसलिए दोस्तों अगर आपको कोई पाँच ज़बरदस्त फ़ायदे लेने हैं, साइंटिफिक फ़ायदे, तो आपको महीने में एक बार तो उपवास रखना चाहिए। दोस्तों पहला है आपके इम्यून सिस्टम का मजबूत होना, सेकंड है आपके पाचन तंत्र का मजबूत होना, थर्ड है आपके वेट लॉस कम होना, फोर्थ है आपके टेंशन और डिप्रेशन का कम होना, और फिफ्थ है आपके चेहरे और स्किन का ग्लो बढ़ना, लाइट बढ़ना। दोस्तों ये पाँच अद्भुत फायदे हैं, आपको उपवास रखना चाहिए, जिससे आपको ये बेहतरीन फायदे आपको मिले। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।